देख रहे हैं सजग संसार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते अपनी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन जब उसके अच्छे कार्यों के लिए राज्य सरकार उसे सम्मानित करती है तो उसके लिए एक बहुत ही गर्व का दिन होता है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 92 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 व 2021 करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के 92 अध्यापकों को राज्य शिक्षक से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में गांव गिगनाऊ के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवाएं दे रहे थे। मैथ अध्यापक मास्टर मदनलाल जी को भी सम्मानित किया गया। गांव पहुंचने पर आज स्थानीय केडिया धर्मशाला गिगनाऊ में समस्त ग्रामीणों द्वारा राज्य शिक्षक अवार्ड विजेता गणित अध्यापक मदनलाल शौरान के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपगिरी महाराज दादा गढ़वाला आश्रम थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री उम्मेद सिंह नंबरदार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपगिरी महाराज ने कहा कि ये गांव वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने मदनलाल को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उम्मेद सिंह नंबरदार ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्टेट अवार्ड से सम्मानित होना हर अध्यापक का सपना होता है और मदनलाल जी का ये मधुर सपना पूर्ण हुआ ये कहा। ये सभी ग्रामीणों के लिए गर्व के पल है। मास्टर मदनलाल ने गांववासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस खुशी के मौके पर जो मुझे मान सम्मान दिया गया मैं हमेशा बनाए रखूंगा और आने वाले जीवन के अंदर शिक्षा के प्रति समर्पित रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान गाँव के मुक्तिधाम में त्रिवेणी भी लगाई गई। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर सांगवान ने कहा, एक पेड़ को पालना 100 गायों के पालने के बराबर होता है। उन्होंने आज इस भौतिक युग में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि पौधे हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसका निर्माण हम किसी फैक्ट्री में नहीं कर सकते, इसीलिए हर खुशी के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। गांव स्तरीय कार्यक्रम का संचालन जोगेंद्र सांगवान ने किया। सम्मान समारोह में मदनलाल को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य फतेह सिंह, प्रवक्ता महेंद्र मान, श्याम सुंदर सांगवान, मुख्य शिक्षक कंवर भान दहिया, हरिओम शर्मा, राम अवतार, मुकेश रोहिल्ला, राज सिंह, अजित बसेरा, अजित शौरान, दयानंद सांगवान, राजेश सोनी, रामनिवास मिस्त्री, रामकुमार शौरान, राजेंद्र काली रावण, मनजीत शौरान, आनंद नेहरा, विवेक आदि उपस्थित थे। और लक्ष्मी चंद्रा उसने जो त्रिवेणी मुझे भेंट किया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे अतिरिक्त खुशी इस बात की भी है कि मुझे पौधों में अलग से रुचि होती है, जो जिन्होंने इस बात को पहचाना। और एक कार्यक्रम जो हमारे सब साथियों के मिलकर के तीन लोग आपके सहयोग से चल रहा है, इसमें बहुत से साथियों ने, हमारे बहुत से बुजुर्गों ने आशीर्वाद से उस मुक्ति धाम में जो पौधे लगाए हुए हैं, श्रीकार तो पहले से कवर बांधी करे थे, उसमें जो बच्चे हैं ये सब उन सबका योगदान रहा है। और उसी में हम उस मुक्ति धाम में इस त्रिवेणी को हम अपने आदर्श गांव के लिए तो लगाएंगे। और मैं प्रमुख पार्टी से भी कहूँगा कि वो सारे मिलकर के त्रिवेणी है उसमें अभी लगाने का काम करें। और आपने तो इस सम्मान दे दिया है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस सम्मान को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार के सम्मान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। आपने जो सम्मान दिया है इसको बनाए रखने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। आपकी मदद की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस अवार्ड की गरिमा को बरकरार रखना और कठिन कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, वो इनकी इस अवार्ड के मिलने के बाद बढ़ गई है। उन जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से ये निर्वहन कर पाएंगे वो इनकी परीक्षा रहेगी, कसौटी रहेगी। तो मैं तो इन्हें उन कसौटियों पर खराब करने के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो निश्चय ही उन शिक्षा विभाग की उन कसौटियों, आप लोगों की जो आशाएं हैं उनके ऊपर भी ये खरा उतरेंगे और परमात्मा इनको ताकत देगा। आप लोगों ने ये सम्मान समारोह किया, मैं आपका अपने शिक्षा विभाग की तरफ से, अपने साथी की ओर से बड़ा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि
आपने ये सम्मान समारोह आयोजित किया। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए सजग संसार। नमस्कार।